उसको लेकर सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि पहले बीजेपी के मंत्री सांसद अपने वैध और अवैध बच्चों को जानकारी दें पहले, आप क्या कहेंगे? ये बयान गलत है, ये बयान बिल्कुल गलत है। किसी पर परोक्ष रूप में आरोप लगाना, हर आदमी को बदनाम करने की कोशिश करना, राजनीतिक लोगों के ऊपर आक्षेप लगाना बहुत गंदी बात है और उनको इस तरह के स्टेटमेंट के जवाब खुद देना चाहिए कि ये कैसे कहा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ATS ने कल बहुत बड़ा एक खुलासा किया कि जो दो आतंकी पकड़े, वहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझको कतई भरोसा नहीं, क्या कहेंगे आप? वो तो माइनॉरिटी वोट के अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पक्ष ले रहे, वो तो आतंकवादी के जो विस्फोट करेगा उसका भी पक्ष लेंगे, ये तो उनकी रणनीति है अपने अपनी तरफ मोटिवेट करने के लिए कि माइनॉरिटी वोट उनकी तरफ मोटिवेट। और गलत किस तरह के बयान करते हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, सरकार को नहीं, भाजपा सरकार को नहीं कमजोर कर, पूरे देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को पक्ष लेना गंदी बात है, जो देशद्रोही हो उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए और सख्त एक्शन। आपने अपने देख रेख में जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया जितने ब्लॉकों में अपने आप ब्लॉकों में, हमने अपने देख रेख में कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो प्रदेश संगठन के नेतृत्व में बनी है, उनकी देख रेख में बनी है, हम लोग तो केवल सहयोगी थे और सहयोग करते रहे, कोशिश करते रहे कि हमारे तरफ से सदस्य सबका तालमेल बैठे जाए आपस में, जो बागी प्रत्याशी थे हमारे उनको भी तालमेल बैठे और निर्वाचित हुए सदस्य अच्छा।